स्वीकार लो प्रभु। आयुष्मान रहो नारद। कहिए नारद जी, आज इधर कैसे भ्रमण हो गया? एक बड़ा ही शुभ समाचार लाया हूँ प्रभु। शुभ समाचार? ऐसा क्या समाचार है? कहिए कहिए, शीघ्र ही कहिए। अजी, वो है ना आपका पुरा, वो है ना देव, जिसने एक बार आपके सामने आकर भी थी और आपके द्वारा पूर्ण हार पाई थी प्रभु। हाँ हाँ हाँ, क्या उसने फिर कोई नया उत्पाद कर डाला है? अजी, प्रभु में विचरता फिर रहा, प्रभु में विचरता हिमालय के निकट जा पहुंचा, वहां की शोभा और वहां की शोभा देकर समाधि में हो बैठा। तब इंद्रासन के भय से कामदेव लंबा मेरा तप खंडित करने को भेजा। अच्छा, परंतु प्रभु हम बिना हम किनारे नहीं है, हमने भी उसे पराजित करके ही छोड़ा और उसका अभिमान तोड़ा। नारायण 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 नारायण। बात तो बड़े आनंद की है नारद जी, निसंदेह आपने बड़ा पराक्रम दिखाया है, जो ऐसे अभिमानी को नीचा दिखाया है। परंतु एक बात मेरी भी ध्यान में रखना नारद, जैसे तुमने मुझे ये वृत्तांत सुनाया वैसे विष्णु जी को ना सुना देना। तुम्हारा हित इसी में है, उनसे कुछ मत कहना। आपने भी खूब कही भगवान, काम करके फिर ना फैलाए उसे संसार में और होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। विजय का आपने सुनाऊंगा उन्हें एक एक हाल, वो दयालु है, सदा रहते हैं भक्तों पर दयालु। नारायण 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 नारायण। अच्छा प्रभु, अब मुझे आके दीजिए, तनिक सृष्टि पिता ब्रह्मा जी को भी इस विजय का समाचार सुनाया हूँ। नारायण। अच्छा प्रणाम प्रभु, प्रणाम। नारायण 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 नारायण। आपका सेवक नारद आपके चरणों में प्रणाम करता है प्रभु। आइए नारद जी, कहिए कुशल तो है, आज किधर से आगमन हुआ? भगवान, आज तो भाग्य रेखा बड़ी ही अनुकूल आई है, आपके आशीर्वाद से मैंने एक महान संग्राम में विजय पाई है प्रभु। ओह, बड़ा आनंददायक संवाद है, कहिए क्या समाचार है? अजी, वो है ना इनका दास कामदेव, जिसने सारे संसार को नाच नचा रखा है, प्रति को दास बना रखा है, आज उसकी ही बड़ी अशुद्ध राय है प्रभु, मेरे द्वारा पूर्ण हार पाई है प्रभु। प्रसन्न है, मृत्यु लोक में क्या हो रहा है? प्रभु, हिमगिरी पर एक बड़ी ही विचित्र लीला देखने में आई। विचित्र लीला? ऐसा क्या देखा नारद जी? देव, हिमगिरी की शोभा और एकांत स्थान देखकर चित्त प्रफुल्लित हो उठा, मैं आपके चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया प्रभु। धन्य हो धन्य हो। अच्छा, फिर क्या हुआ नारद जी? अजी, ये ना पूछिए क्या क्या नहीं हुआ। वही है ना लालसा का दास इंद्र, जिसको हर समय इंद्रासन की चिंता व्याकुल किए रहती, हमारे ज्ञान ध्यान से भयभीत होकर बिचारने लगा कि कहीं नारद योग के बल से मेरा इंद्रासन न चीर ले। ये इंद्र की भूल है नारद जी? हाँ, यही तो मेरा भी तात्पर्य है प्रभु, इसी भय के कारण उसने मेरे तप को खंडित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, इंद्रलोक की अप्सराओं और कामदेव को हिमगिरी पर भेजा। उन्होंने भांति भांति के जाल फैलाए, नृत्य किए और गायन गाए प्रभु। और तुम अपने ध्यान में तल्लीन रहे? और नहीं तो क्या, उनके नाशवान आनंद पर भूल जाता, मोह में पड़कर प्रभु प्रभु मैं आपके चरणों की भक्ति भूल जाता। हाँ ठीक है, ये तो स्वाभाविक ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ नारद जी? होता क्या प्रभु, जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में लीन पाया तो अधीनता के साथ मेरे सामने सिर झुकाया, और मैंने भी जैसा कि आपके भक्तों का स्वभाव होता है उन्हें क्षमा करके इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे दी। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया नारद जी, परंतु प्रभु मैंने कामदेव को अपने अधीन करके ही छोड़ा, जो बड़े बड़े योगेश्वरों के और देवताओं के वश में ना आता था,
मैंने आज उसकी दर अच्छी तरह से उसका विमान तोड़ा है। अच्छा प्रभु, अब चलो तेरी तेरी मृत्यु लोग का भ्रमण कराऊं। अच्छा अब आके दीजिए प्रभु। प्रणाम प्रणाम प्रभु। नारायण 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 नारायण।